को बट इसको सुल्तान अब क्या देखा अस्सलाम वालेकुम, होप यू पीपल आर डूइंग वेल। तो चले जी स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो हम जा रहे हैं फेरियर हॉल अलाया के शूट के लिए। हमने किसी ब्रांड ने अप्रोच किया कि अलाया का शूट करना है, तो हम चल पड़े उस स्पॉट पे जहाँ शूट था। और ये हमारा प्यारा सा कराची नाउ हैदराबाद से कि कराची और इतना साफ़ सुथरा। यस, कराची ही इतना साफ़ सुथरा है। तो ये है सम ग्लिम्प्स। बहुत गर्मी थी, शदीद किस्म की गर्मी थी और ड्रेस कुछ इस टाइप का था। इशाल अलाया थोड़ी से अनकंफर्टेबल थी इस ड्रेस में, तो वो बहुत रो रही थी और बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही थी। और जैसे हम लोगों ने शूट किया, शूट से फारिग होके मेरे दोनों बच्चों ने ज़िद की कि हमें हॉर्स राइडिंग का चाहिए। टांगे वाले भाई ने 100 रुपये तो हमसे चार्ज कर ही लिए थे, क्योंकि हमने इनके टांगे पे शूट किया था, तो 100 उसके चार्ज लिए। और उसके अलावा आई गेस 300 इसने पर राइड लिया है। कायदे आज़म का जो आगे हाउस है वहाँ से इसने राउंड दिला के ही वापस लिया है 300। आप जितने भी बंदे बैठ सके, तो बहुत अच्छा था। हमने तो बहुत इंजॉय किया, शाल ने तो ख़ास कर बहुत इंजॉय। तो इसकी इंजॉयमेंट का अंदाज़ा आप इससे लगा ही सकते हैं। तो इस बंदी ने इतना तंग किया, इतना तंग किया ड्यूरिंग शूट कि मैं बता नहीं सकती। और शायद गलती मेरी थी, जब बच्चे को आप शूट पे लेके जाओ तो उसको खिला पिला के और उसकी नींद पूरी होनी चाहिए ड्यूरिंग शूट, वरना वो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करेगी। इन द एंड ये इतना थक चुकी थी बेचारी, बैठे बैठे सो गई थी। और मुझे इतना रहम आ रहा था इस बच्ची पे, टांगे पे इसको बिठाया और बैठे बैठे सो गई। और वहाँ से हमें भी भूख लगी, बच्चों का क्या कसूर होता, भूख हमें भी लगी थी। बोलो प्लीज। अच्छा, तो हमारा भी हाल यही था कि हमें बहुत भूख लग रही थी। मैंने कहा कहीं से रोल समोसे लेके कहीं चाय पीने बैठ जाते हैं, उसके बाद आगे भी हमें ख्वार होना था। तो हम पासपोर्ट ऑफिस के बराबर में एक चाय वाला था, संडे था तो रश वश बिल्कुल भी नहीं। सॉरी भाई, मवेशी मंडी जा रहे हैं, इसको वहीं छोड़ के आएंगे। चाय की तोहीन वापस करो, वॉशरूम ले जाने करने के बाद हमने सोचा अब हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप वो होगा शादमान टाउन में। व्हाई यू केम हियर? लगाई ऋषि मंडी अगर विजिट करने के, तो उससे पहले हमारी बेटी को जाना। चलो चलो जल्दी चलो, वो रो रही है, चलो चलो। नहीं, मेरे सडन माइंड में आया कि यार एटीएम बहुत ज़्यादा करीब है, तो यहाँ चलते हैं। यहाँ से फिर वो लंबा सफ़र है, हम वहाँ चलेंगे। तो वॉशरूम से फारिग होकर हमें याद आया कि यार मगरिब का टाइम है, तो नमाज़ पढ़ ली जाए। नमाज़ पढ़ने के बाद जैसे मैं फ़ारिग होकर बाहर निकली तो मैंने देखा यार रश, इस कदर रश। रश की वजह क्या थी? फ्लैट 50% ऑफ हर जगह लगा हुआ था। तो मैंने कहा चलो, इतनी देर में बहन नमाज़ पढ़ रही है, वो वहाँ से निकल के आती है, तो मैं सफ़ायर में जाके विज़िट कर लूँ, फ्लैट 50% ऑफ। पैसे तो थे नहीं मेरे पास, मैंने कहा चलो आँखें ठंडी कर ली जाए। तो यहाँ से फ्री होने के बाद हमने देखा नीचे काफ़ी रश है, नीचे आई गेस कोई शो चल रहा था, कोई आर्टिस्ट आया हुआ था, आई डोंट नो, बट बहुत ज़्यादा क्राउडेड था एट्रियम मॉल, बहुत ज़्यादा क्राउडेड था। और हमने नमाज पढ़ ली, नमाज पढ़ के फारिग होके हमने सोचा चलो का
काफ़ी लंबा है, तो हम निकल पड़ते हैं। यहाँ से निकलने के पहले ख़वातीन ने हमारी नज़र एक शॉप पे पड़ी, बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन थी वहाँ की, बहुत ज़्यादा रीज़नेबल थी। मैं वहाँ पर शूट नहीं कर सकी क्योंकि अलाउ नहीं है, बहुत सारे लोग अलाउ नहीं करते कि आप यहाँ पर वीडियो नहीं बना सकती, वरना मैं आप लोग को ज़रूर वो डिज़ाइन दिखाती कि इतने खूबसूरत डिज़ाइन। पीछे से मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई, भाई तुम लोग कहाँ रह गए? उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि औरत एक शॉप में जब घुस जाए उसको वहाँ से निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो ये मैंने दी थी अपनी बेटी अपने हस्बैंड को, उसको पकड़ लें। उन्होंने कहा था कि आप तो 5 मिनट के लिए गई थी, आपने खैर से आधा घंटा लगा दिया। बराबर वहाँ से फ्री होके हम आए, ढूंढते ढूंढते एक ये जो मवेशी मंडी ख्वातीन ने लगाई थी यहाँ पर, काफ़ी हाइप था इसका, यूट्यूब हमें मिला नहीं यहाँ पर कुछ भी। वहाँ जिस खातून ने ये ऑर्गेनाइज़ किया उसके अलावा वहाँ देखने के लायक कुछ भी नहीं था। मैं कोई ऐसे वो रिव्यूज़ नहीं दूंगी, बट यहाँ ये था कि स्टॉल्स छोटे छोटे से लगाए हुए थे, वो अपना बिजनेस रन करने के लिए छोटे छोटे से स्टॉल्स थे, चंद गिनती के एक आध जानवर थे या बेस्ट थे। मतलब मुझे ऐसा लगा कि खवातीन स्टॉल बेच ले रहेंगे, बकौल मेरी बहन के पता नहीं आप किस दुनिया में रह रही हैं। तो आई थॉट जिस तरह हाइप क्रिएट था इस तरीके से, तो खैर हम ज़्यादा रुके नहीं वहाँ पर, बच्चों का मूड भी स्पॉइल था हल्की हल्की सी बारिश भी आने लगी थी, हमने सोचा देखा जाए। तो वहाँ से निकल के फिर हमें लगी जो भूख, हमसे भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ, तो हमने सोचा चलो यार कुछ खा लिया जाए, बच्चे भी भूखे होंगे। तो हमने सोचा थोड़ा सा नियरेस्ट जो हमें जगह मिले, अलहाज करके इस तरह कोई रेस्टोरेंट था वहाँ पर, हाजी अख्तर करके, बहुत 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 बजट फ्रेंडली। जितनी महंगाई है उस हिसाब से हमें ये चूज़ करना पड़ा, क्योंकि हम तो हर आए दिन बाहर ही घूमते फिरते गश्त करते रहते हैं, तो डेली डेली इतना महंगा खाना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये वो वाहिद जगह थी नीट एंड क्लीन, बजट फ्रेंडली, खाना पर ये है कि आपको पार्किंग का थोड़ा सा इशू है, रोड काफ़ी टूटा फूटा है, तो आपको पार्किंग की जगह अवेलेबल नहीं होती है, तो इसलिए हम थोड़ा सा बाहर वेटिंग पे बैठ गए। पर हमने गलती की, हम बाहर बैठ गए, हमें ऊपर बैठना चाहिए, क्योंकि जब हम ऊपर गए वहाँ पर वेटिंग चल रहा था, तो हमने उससे रिक्वेस्ट की भैया जल्दी करो, हमें तो बहुत भूख लग रही है, या तो आप ऐसा करें हमसे ऑर्डर ले लें। तो उन्होंने कहा आप ऐसा करें ऑर्डर दे दें। तो हमने एक बड़ा सा प्लेटर ऑर्डर किया, बारबेक्यू प्लेटर, ये 1500 का था, आई गेस इससे ज़्यादा का बिल्कुल भी नहीं था, और प्राइस इसके बहुत ज़्यादा रिजनेबल थे। वहाँ से निकलने के बाद हमने सोचा थोड़ा सा शेक या आइसक्रीम ली जाए, वो लेने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था JDC। तो JDC मैं खुद पर्सनली इतना क्राउड, मैं ये सोचती हूँ कि यार फैमिलीज़ कैसे आ जाती हैं, इतने लड़के फजूल में खड़े में इन बेचारे बेजान जबानों को ऐसे देख रहे थे जैसे कभी उन्होंने ऊँट नहीं देखा, जैसे कभी उन्होंने कोई जानवर नहीं देखा। सो प्लीज़ देख के निकलते जाइए, मुझे तो बड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। मैं गई एक विज़िट, यूँ गई और यूँ वापस आई, तो मैं हस्बैंड को पार्किंग की जगह नहीं मिल रही थी, तो मैंने उनसे कहा था कि आप बाहर खड़े रहो, मैं यूँ गई और यूँ आई एक शूट करके, क्या पता कोई ऐसा जानवर भी मिल जाए। सो इतना रश था, मेरी बेटी बहुत ज़्यादा इरिटेशन उसको हो रही थी, उसने कहा भाई मामा मैंने तो नहीं आना। मैंने कहा ठीक है, उसको मैंने अपनी बहन के हैंड ओवर कर दिया कि आप इसको पकड़े, मैं यूँ गई एक शूट करके आई। जो मैं गई हूँ, मैंने कहा या अल्लाह मैं आपके भरोसे जा तो रही हूँ, मैं इसी तरह वापस भी आऊँ, पर थैंक गॉड। तो ये थे कुछ जानवर जो कि आपको नज़र आ रहे होंगे, कुछ बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, पर जानवरों में ये था थोड़ा सा नायाब, लाइक डिफरेंट था, हाइट इसकी छोटी थी। तो गायें थे, भैंसे थी और ऊंट थे ज़्यादातर, ये देखें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। बट मैं ये कहती हूँ कि फैमिलीज़ को ना कोऑपरेटिव होना चाहिए, और ये ऐसी जगह थी कि फैमिलीज़ बहुत मुश्किल से अंदर जा सकती थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल से अंदर जा सकती थी, जो जाए तो फिर जेंट्स को अपने साथ ज़रूर लेके जाए। ये देखिए कितने बड़े बड़े जानवर हैं, बहुत खूबसूरत है। अल्लाह पाक जिस जिस के भी हैं, जिस जिसने डोनेशन दी है, अल्लाह पाक उनकी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। और ये थोड़ा सा एंटीक था जितना, ये देखिए क्राउड है ना उस हिसाब से, ये बिल्कुल बीच में खड़ा हुआ था और इसके पैरों में भी रस्सियाँ बंधी हुई थी। ये देखें बस अल्लाह पाक जो है ना, ये सबसे बड़ा ऊँट था। अल्लाह पाक जिस जिस ने डोनेशन किया, अल्लाह पाक उनकी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। आप लोगों में से किस किस ने कुर्बानी का जानवर ले लिया, और अल्लाह पाक सबको खुश रखे, और दुआओं में याद रखिएगा।